सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मोर भाई, देसी देख बिना ब्रेक। दीपावली का जो त्यौहार है पूरे देश में पूरे विश्व में बड़ा धूमधाम से मनाया जाने लग रहा है। इसे कड़ी में सोनीपत में स्थित दिल्ली विद्यापीठ स्कूल का जो चेयरमैन है वीर सिंह सैनी, उनने भाई अनूठा प्रयास किया है और स्कूल के बालकों पर संकल्प लिया है कि इस बार का जो दीपावली का जो त्यौहार है वो बिना बम पटाखे मनाया जावे। और उनने भाई सारे देशवासियों तीन शुभकामनाएं दिन दयाने एक बात कही है कि यु जो त्यौहार है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र द्वारा अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के रूप में मनाया जावे है। और घी के दिए जलाए गए थे जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जो है श्रीलंका से सीता माता को लेकर अयोध्या पहुंचे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। तो वीर सिंह सैनी ने शुभकामनाएं देते हुए एक बात खास कही है सारे बड़काती यानी कि स्टूडेंट को, खास तौर पर स्कूल के जो छात्र हैं उनते एक बात कही है, भाई बम पटाखे और आतिशबाजी इन तक दूर रही हो, क्योंकि बम पटाखे बजाने से प्रदूषण भी होवे है और घी के दिए अगर जलावांगे तो वातावरण की शुद्धि होगी। तो उनने यह बात कही है और भाई सारे देश वाले ती बार बार शुभकामनाएँ दी हैं। और दीपावली का जो त्यौहार है यू प्रकाश का पर्व है और अंधकार से प्रकाश की तरफ लौटने का ये पर्व है। बहुत कुछ सीखने मिला है इस त्यौहार से। तो चेयरमैन वीर सिंह सैनी ने देशवासियों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंधकार से प्रकाश की तरफ लौटो और ख़ास तौर पर जो छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा लेने का यू पर्व उनने बताया। और भाई रंगोली का त्यौहार जो है रंगोली के रूप में स्कूल में छात्रा ने रंग बिरंगी रंगोली बनाई, रंगों के हिसाब से रंगों के माध्यम से दीपावली का त्यौहार मनाया। और भाई चेयरमैन वीर सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति के जो रंग हैं उनकी छटा निराली है, उनके साथ जियो, प्रकृति को अच्छा बनाओ, प्रकृति से प्रेम करो और भी बहुत कुछ बड़ी बड़ी बात चेयरमैन वीर सिंह सैनी ने कही है। और भाई स्कूल की तरफ से दिल्ली विद्यापीठ स्कूल देवड़ी रोड पर जो स्थित है उसकी तरफ से सारे देशवासियों की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं भाई। चलिए गोवर्धन पूजा को करते हैं जी।